नमो नारायण मित्रों, मैं राहुल ईश्वर स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम भाग्यमंथन में। मित्रों, आज हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो लोग ज्योतिष में अपनी आस्था रखते हैं लेकिन उनके पास उनका जन्म विवरण नहीं होता। इस समस्या के हल के रूप में आज हम नाम राशि के प्रथम अक्षरों को आधार बनाकर राशि स्वभाव और सफलता प्राप्ति हेतु उपाय बताएंगे। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। जिन लोगों का प्रचलित नाम ता, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी, यू से शुरू होता है, उनकी जन्म राशि वृश्चिक मानी जाती है। अब हम जानेंगे वृश्चिक राशि के ज्योतिषीय परिचय एवं गुणधर्म के बारे में। इसकी आकृति बिच्छू के समान मानी गई है तथा काल पुरुष के शरीर में इसका अधिकार वह स्थानों लिंग और गुदा आदि पर माना गया है। भचक्र में 210 डिग्री से लेकर 240 डिग्री तक इस राशि का विस्तार क्षेत्र होता है। यह स्त्री जाति, शुभ वर्णी, स्थिर संज्ञक, जल तत्व, रात्रिवली, उत्तर दिशा की स्वामिनी, ब्राह्मण वर्ण, कफ प्रकृति और बहुसंतान वाली राशि होती है। अपने निश्चय पर दृढ़ रहना, टूट जाना लेकिन झुकना नहीं, आगे से मृदु लेकिन पीछे से तीक्ष्ण, स्पष्ट कथन भले ही किसी को बुरा लगे या अच्छा, इसके प्राकृतिक गुण हैं। शरीर की लंबाई और जननेन्द्रियों का विचार इस राशि से किया जाता है। आइए अब वृश्चिक राशि के स्वभाव को समझें। वृश्चिक राशि में जन्मे लोग बहुत भावुक होते हैं लेकिन अपनी इस कमजोरी को कभी किसी पर जाहिर नहीं करते। किसी भी कार्य को करते हैं तो दृढ़ निश्चय के साथ करते हैं और तब तक उस कार्य को करते रहते हैं जब तक सफलता प्राप्त ना हो जाए। यह लोग खोजी प्रकृति के होते हैं। साम, दाम, दंड, भेद, किसी भी युक्ति को लगाकर सत्य की खोज करने में माहिर होते हैं। वृश्चिक राशि वालों में एक महान नेता बनने के गुण होते हैं। इनमें बुद्धि और बल दोनों बराबर मात्रा में होता है, जिसका प्रयोग यह नेतृत्व के लिए बखूबी करते हैं। इस राशि के मित्र बहुत ज्यादा होते हैं। इन लोगों को मित्रों से बहुत सहायता भी मिलती है जीवन में। इस राशि के लोगों में दिखावे की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जिस प्रकार का यह अक्सर आचरण करते हैं वैसे होते नहीं है। इस राशि में जन्मे लोग दूसरों को आकर्षित करने की अच्छी क्षमता रखते हैं। इन लोगों में बहादुरी और कामुकता की मात्रा बहुत ज्यादा होती है अन्य राशियों से। इन लोगों की शारीरिक संरचना अच्छी तरह से विकसित होती है। इनके कंधे चौड़े और मजबूत होते हैं, जिसके कारण युद्ध में अक्सर जीत इनकी होती है। मंगल का जन्म कुंडली पर यदि खराब प्रभाव हो तो अपनी कही बात से अक्सर तुरंत पलट जाया करते हैं। इस राशि के जातक को बस अपनी बात अच्छी लगती है, दूसरों की बातों का अक्सर विरोध करते हैं। इसी कारण से अक्सर राजनीति में सफल भी हो जाते हैं। वृश्चिक वाले एक जिम्मेदार गृहस्थ की भूमिका निभाते हैं। अति महत्वाकांक्षी और जिद्दी होते हैं। अपने रास्ते चलते हैं मगर किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते। लोगों की गलतियों और गलत लगने वाली बातों को सदैव याद रखते हैं और समय आने पर अपने हिसाब से बदला लेते हैं। इनकी वाणी अति कटु और पीड़ा देने वाली होती है। इस राशि में जन्मे लोगों को वाहनों का बहुत शौक होता है। यदि जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी हो तो उच्च वाहन का सुख इन्हें प्राप्त होता है। स्वतंत्र निर्णय लेना ही इन्हें पसंद होता है। दूसरे के लिए निर्णय इन्हें बोझ से लगते हैं। इन्हें किसी भी कार्य को करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दबाव में ये बेमन से कार्य करते हैं और कार्य खराब कर देते हैं। वृश्चिक राशि वालों को क्या नहीं करना चाहिए। झूठी बातों की नींव पर कोई रिश्ता खड़ा करने से आपको बचना चाहिए। हर कार्य पर शंका करना और दूसरों को देखकर उनसे ईर्ष्या करने से आपको बचना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे दोनों कार्यों की जिम्मेदारी आपको खुद उठानी चाहिए और ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। आइए अब यह जाने कि वृश्चिक राशि के लिए सबसे उपयुक्त कार्य क्षेत्र कौन सा है। वृश्चिक राशि में जन्मे लोगों को चिकित्सा, अनुसंधान, मनोविज्ञान का क्षेत्र, पत्रकारिता, खोज करने वाले कार्य, पर्यावरण विशेषज्ञ, इंजीनियरिंग से संबंधित कार्य सूट करते हैं। वृश्चिक राशि की सफलता के लिए कुछ खास उपाय हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुने। रोज सुबह जल्दी उठकर सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए और सूर्य आराधना करनी चाहिए। अपने घर के दक्षिण पूर्व कोने में जौ को लाल कपड़े में बांधकर रखें। ऐसा करने से बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करेंगी। प्रत्येक मंगलवार के दिन शिवलिंग पर लाल पुष्प और मसूर की दाल चढ़ाएं और हर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। गृहस्थ जीवन में कलेश ज्यादा हो तो बृहस्पतिवार के दिन केले के पौधे में जल चढ़ाएं। पूजा पाठ करने के पश्चात काली हल्दी का टीका जरूर लगाएं, इससे शत्रु पक्ष आपके अनुकूल रहेंगे। आपकी जन्म राशि के हिसाब से लाल मूंगा आपके लिए सबसे शुभ है। तांबे में जड़वाकर शुक्ल पक्ष मंगलवार के दिन धारण करें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए 10-11-12 मुखी रुद्राक्ष किसी भी शुक्ल पक्षीय सोमवार के दिन लाल धागे में डालकर गले में धारण करें। उत्तर दिशा में किए गए तीर्थ विशेष रूप से फलदायी और भाग्योदय करने वाले होंगे आपके लिए। आपके लिए संतरी और लाल रंग विशेष शुभ है। किसी विशेष कार्य पर निकले तो इस रंग के वस्त्र पहनने पर विशेष सफलता आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि का बीज मंत्र ओम एम क्लीम सौ, इस मंत्र के जाप से आपकी जन्म राशि को बल मिलेगा।
मित्रों, अगर आप किसी समस्या से पीड़ित हैं और चाहते हैं आपकी समस्या का सटीक समाधान, तो आप हमसे जन्म कुंडली बनवाकर बहुत ही कम मूल्य में समाधान जान सकते हैं। या फिर व्यक्तिगत रूप से अपॉइंटमेंट लेना हो तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर दिया गया है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी समस्या के सटीक समाधान के साथ। आपका आज का दिन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।